अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट हुआ सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद लगातार कई विवादित ट्वीट किए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने बताया है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद इस अभिनेत्री ने कुछ विवादित ट्वीट किए थे। कंगना ने ममता बनर्जी के लिए काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। विवादित ट्वीट के बाद कंगना के ऊपर केस भी दर्ज हुआ। कोलकाता पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज की है। एडवोकेट सुमित चौधरी ने ईमेल के जरिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा को शिकायत भेजी थी। अपने ईमेल में उन्होंने कंगना रनौत के ट्वीट को 3 लिंक्स भी भेजे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बंगाल के लोगों की भावनाओं को आहत और उन्हें अपमानित भी किया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में हैं। इससे साफ नजर आता है कि हिंदू वहीं बहुमत में नहीं है और ये डेटा के अनुसार बंगाली मुस्लिम बेहद गरीब और वंचित हैं। अच्छा है दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। इसके अलावा कंगना ने एक ट्वीट में बंगाल हिंसा से संबंधित हैशटैग लगाया था। एक्ट्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खून की प्यासी राक्षसी ताड़का बताया था। इसके अलावा कंगना ने पीएम मोदी को भी ये सलाह दी कि वो सुपर गुंडई करें। साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा कि नरेंद्र मोदी को अपना 2000 वाला विराट रूप भी दिखाना चाहिए। चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा के बाद कंगना ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अभिनेत्री ने राज्य में हुई हिंसा को लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड हुआ है। इससे पहले जब ट्विटर सस्पेंड हुआ था तो कंगना ने देसी ट्विटर लाने की सरकार से गुहार लगाई थी। काफी भला बुरा कहने के बाद कंगना ने दोबारा ट्विटर ज्वाइन कर लिया था।